ये है Redmi Note 11 Pro Plus 5G। तो सबसे पहले हम आपको इसका खास फीचर बता देंगे, वो है इसमें आपको 108 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा मिल जाएगा। इसके बाद 67 टर्बो चार्जर, यानी कि 40 मिनट में आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगा। नाम है Redmi Note 11 Pro Plus 5G। इसमें आपको फ्री 5G नेटवर्क चल जाएगा, फ्री 5G नेटवर्क आपको इसमें चल जाएगा, क्योंकि आजकल इंडिया में फ्री नेटवर्क है। और अब हम आपको इसके और बहुत सारे फीचर्स बता देंगे। तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 695G का 75 बैंड सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा फीचर है। मोबाइल को क्वालिटी, कैमरा, पैसे नहीं देखने चाहिए, प्राइस नहीं देखना है, बल्कि इसकी जो प्रोसेसर होता है वो देखना चाहिए। तो यहाँ पे आपको इसमें 2.2 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर मिल जाएगा, और इसी के साथ यहाँ पे 120 हर्ट्ज सुपर एमुलेटेड डिस्प्ले, जो कि बहुत ही है, आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का 5 मिल जाएगा। हो गया ये। इसके बाद बात करेंगे इसकी चार्जिंग की या बैटरी की। तो इसमें आपको 5000 mAh बैटरी मिल जाएगी, और यहाँ पे 67 वाट टर्बो चार्जिंग, यानी चार्जिंग मेरे को इसकी बेस्ट लगी। 30 मिनट 40 मिनट में आपको 100% हो जाएगा। अगर अब बात रही कैमरा की, जो कि हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि इसमें जो 108 इन्होंने बता दिया है कि 108 मेगापिक्सल AI ट्रिपल कैमरा है, तो वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा। मेरे को लगता है कि इसमें लगभग 32 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। इसके बाद बात आ गई अप टू 3GB वर्चुअल रैम, इसमें आप रैम को बढ़ा सकते हो 3GB। डुअल स्पीकर है, यानी कि इस साइड से भी स्पीकर है, नीचे वाले साइड से भी स्पीकर है। IR ब्लास्टर है। इसके साथ यहाँ पे स्प्लैश प्रूफ नैनो कोटिंग है, और वर्चुअल रैम इसकी वेरी करती है बेसिस पे कि इसकी मेमोरी वेरिएंट कितनी है। सेल्फी कैमरा इसका 16 मेगापिक्सल है। 360 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट, टचिंग मेरे को इसकी बेस्ट लगी। गेमिंग के लिए ये बेस्ट मोबाइल है। और इसमें आपको डुअल 5G सिम कार्ड सपोर्ट, यानी कि दो सिम लग जाएंगे इसमें और एक चिप लग जाएगा। लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी है, कि यानी कि मोबाइल हॉट हो जाएगा या तो स्विच ऑफ हो जाएगा, या जब मोबाइल जलने पर, इतने गेमिंग खेलो कि जब जलने पर आता है तो ये खुद ही मोबाइल स्विच ऑफ होता है, या लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी इसमें काम कर रहा है। मेड इन इंडिया का Redmi Note 11 Pro Plus 5G, हमको ये बेस्ट लगा। इसकी क्वालिटी हमको बेस्ट लगी, इसके फीचर्स हमको बेस्ट लगी। सिर्फ इसकी जो कैमरा है वो हमको थोड़ा सा घटिया लगा, क्योंकि 32 मेगापिक्सल जैसा वो बिहेव कर रहा था। होगा ये Redmi Note 11। अगर आप इस मोबाइल को लेना चाहते हो गेमिंग के लिए, तो बेस्ट है गेमिंग के लिए। 5000 mAh बैटरी, 695G का सपोर्ट मिल जाएगा, 2.2 GHz का प्रोसेसर है। मोबाइल का प्रोसेसर बेस्ट आपको होना चाहिए। इस तरह से आप देख सकते हो Redmi Note 11, और अभी हमारे पास ये है ये। और जब भी आपके पास कोई भी मोबाइल हो या लेना चाहते हो, तो बैक टेम्पर्ड जरूर लेना कैमरा के लिए। जो भी आजकल मोबाइल आते हैं उनको बैक टेम्पर्ड लेना पड़ता है, क्योंकि इसमें स्क्रैच लगते हैं, कभी गिर जाता है। इस तरह से आपको 5G इसमें नेटवर्क चल जाएगी, और 5G अभी इंडिया में फ्री चल रहा है, आप इसका 5G का फ्री नेटवर्क इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे हम आपको दिखा देंगे, ये है मोबाइल, और अभी इसकी कंडीशन हम आपको बता देंगे 2 महीने इस्तेमाल करने के बाद। ये हमने इसमें ऊपर से एक टेम्पर्ड लगा लिया था। इस तरह से ये कैमरा है। सबसे बैड कंडीशन जो कि हमको इसको लाने के बाद लगी, वो है कि इसका कैमरा जो है वो बैठ गया, यानी कि इसका कैमरा अभी, मेरे को लगता है कि इसका कैमरा परफेक्टली 108 मेगापिक्सल नहीं है। इसका कैमरा बैठ जाता है, अगर 108 मेगापिक्सल होता तो ये परफेक्टली वीडियो उठा लेता है, और कुछ टाइम होने के बाद ये इसका कैमरा लो क्वालिटी में हो जाता है, कैमरा अच्छी तरह से काम नहीं कर लेता है, वीडियो उठा लेता है लेकिन वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, फोटो की क्वालिटी अच्छी नहीं आती है। जैसे कि बंदे को लगता है कि इसको J2 का कैमरा है, वैसे ये 2 महीने होने के बाद इसका कैमरा लगता है। अभी हम आपको दिखा देंगे, ये हमने नीचे एक पेन रख लिया, अब हम आपको दिखा देंगे इसका कैमरा। देखिए ये पेन है, ये हो गया 108 मेगापिक्सल, और ये हो गया नीचे से कैमरा पेन, देख सकते हो आप। और ये हम इसको देख लेंगे, हम 108 मेगापिक्सल में देख सकते हो आप कैसी क्वालिटी। ये है मेरा हैंड, अब मैं आपको इस मोबाइल में दिखाता हूं इस हैंड की किस तरह से